पाचन शक्ति इतनी बड़ा है कि जो भी खाए हजम हो जाए अगर पाचन शक्ति स्लो है तो लीवर पर बालों पर स्किन पर सारा और ऑल हेल्थ हमारा खराब हो जाता है इसे दुरुस्त करने के लिए आज हम एक इफेक्टिव ऐसा चूर्ण बनाएंगे फर्स्ट डे आप इसे लेंगे तो इससे आपका और ऑल हेल्थ काफी बेस्ट होगा आते स्ट्रांग होगी आपकी एसिडिटी बदहजमी अपच ब्लॉटिंग की जो प्रॉब्लम होती है गैस की प्रॉब्लम होती है उसे दूर करने में पेट कम करने में वेट कम करने में मॉर्निंग में ठीक से पेट साफ होने में इसके जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं चूर्ण बनाने के लिए सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमें लेने हैं बीस हरी इलायची हरी इलायची खोल लेना है उसके अंदर के जो दाने होते हैं वो हमें अलग से बॉल में निकाल लेने हैं हरी इलायची हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है हमारे पेट में जो भी एंजाइम होते हैं उसे एक्टिव करने का काम करते हैं हम जो भी खाना खाते हैं उसे ठीक से न्यूट्रिशन हमें मिलते हैं हमारे पेट में जो भी गैस बनता है एसिडिटी बढ़ती है उसे कम करने का काम हरी इलायची करती है बीस दाने लेंगे उसके दाने निकाल लेंगे अलग से बॉल में सेकेंड इंग्रेडियंट हमें लेना है दो स्पून काली पेट में जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसकी मात्रा बढ़ाने में काली मिर्च काफी फायदेमंद होती है ये वो एसिड है जो हमारे खाने को ठीक से पचाने में हेल्प करता है और हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है अगर हम ज्यादा दिन से बीमार है काली मिर्च अगर आप लेते हैं तो जल्द से जल्द आपकी बीमारी कवर करने में हेल्प करता है हमारे पेट में जो भी गैस बनता है ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है या फिर आपको अपच की प्रॉब्लम है तो उसे दूर करने में काली मिर्च बेहतरीन रिजल्ट देती है थर्ड इंग्रेडियंट हमें लेने पाँच स्पून जीरा जीरा को हमें हल्का कर लेना है। जीरा हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है इसमें ढेर सारा फाइबर होता है जिंक होता है आयरन होता है कैल्शियम पाया जाता है ढेर सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करने में हम जो भी खाना खाते हैं, उसे ठीक से डाइजेस्ट करने में काफी फायदेमंद होता है जीरा हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के प्रमाण को नियंत्रित करता है वेट कम करने में और पेट कम करने में भी इसके जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं पांच स्पून जीरा ड्राई रोस्ट करने के बाद इसे अलग से पॉट में निकाल लेना है ठंडा करने के लिए नेक्स्ट हमें इसमें थोड़ी सी धागे वाली मिश्री ऐड कर देनी है आपको अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो आप स्किप भी कर सकते हैं अब ये सारी चीजों का मिक्सी जार में आपको पाउडर बना लेना है और एक अलग से जार में इसे भर के रख देना है अब इसे लेने का सही तरीका भी हमें पता होना चाहिए तभी ये इफेक्टिव होगा ये चूर्ण लेने के लिए हमें एक कटोरी दही की आवश्यकता होगी फ्रेश दही होना चाहिए घर में बनाई होना चाहिए मार्केट से जो भी आप परचेस करके लाते हैं उसमें जो भी सारे पोषक गुण होने चाहिए वो नहीं होते हैं इसलिए घर में बना फ्रेश दही एक कटोरी आप लेंगे और उसमें ये जो हमने चूर्ण बनाया है वो आधा स्पून चूर्ण हम इसमें ऐड कर देंगे और ये मॉर्निंग में जब भी आप ब्रेकफास्ट करते हैं तब आपको ये दही खाना है या फिर आप लंच करते हैं तो लंच में भी आप इसे ले सकते हैं ये दही खाना आप फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं तो आपको ठीक से भूख लगने लगेगी आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा गैस एसिडिटी कब्ज की जो प्रॉब्लम होती है वो तुरंत कम हो जाती है मॉर्निंग में ठीक से पेट साफ होता है आपके ओवरऑल और और हेल्थ के लिए काफी बेस्ट होता है आपकी गट हेल्थ सुधारती है आपकी आते इससे स्ट्रांग बनेगी दही का टेस्ट भी बढ़ जाता है खाने का टेस्ट बढ़ता है आपके मुंह में अगर किसी भी चीज की टेस्ट नहीं आती है तो इससे आपकी टेस्ट भी इम्प्रूव होती है और आपका ओवरऑल हेल्थ भी इससे काफी बेस्ट होने लगता है ये चूर्ण जिस दिन भी आप लेते हैं तो उस दिन रात में खाना खाने के बाद एक स्पून सोफ भी आपको अच्छे से चबा चबा कर खाना है मतलब जब भी सोफ खाते हैं तो सलाइवा उसमें अच्छे से मिक्स होनी चाहिए चबा, चबा कर सोफ आपको स्पून एवरीडे खाना है जिस दिन आप चूर्ण लेते हो ये जो हमने चूर्ण बनाया है इसे ले, लेते वक्त कुछ बातों का भी आपको ध्यान रखना है आप ये चूर्ण स्टार्ट करते हो तो पूरे दिन भर में पानी पीने पर आपको ठीक से ध्यान देना है सेकेंड बात ये चूर्ण आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में ही लेना है मतलब दिन भर में एक बजे से पहले ही आपको इसे लेना है आप अगर दोपहर में या फिर शाम में लेते हो तो उसका असर नहीं होगा एक बजे से पहले मॉर्निंग में ही इसे ये चूर्ण मिक्स करके दही के साथ लेना है ये चूर्ण लेते वक्त दिन में दो टाइम आपको एक एक ग्लास भर के गुनगुना पानी लेना है मतलब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद हाफ अवर के बाद एक ग्लास गुनगुना पानी करके पी लिया या फिर दोपहर में लंच के बाद एक ग्लास गुनगुना पानी भर के पी लिया मतलब दो टाइम गुनगुना पानी जरूर पीना है आप जब भी लंच करते हो तो दोपहर में आपको सलाद आपके खाने में जरूर इंक्लूड करना है खीरा टमाटर इस प्रकार से सलाद आप ले सकते हैं इनके दही से अगर आपको एलर्जी है तो आप इसे पानी में मिक्स करके भी ले सकते हैं, लेकिन दही के साथ लेना ही ज्यादा बेस्ट होगा बेस्ट रिजल्ट के लिए ये चूर्ण आप स्टार्ट करते हैं तो कम से कम दो हफ्तों तक मतलब टू वीक्स तक आपको इसे कंटिन्यू करना है तभी आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे ये चूर्ण स्टार्ट करते ही फर्स्ट डे से ही आपको इसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको काफी स्फूर्तिला महसूस होगा थकान कमजोरी जो होती है वो तुरंत कम होने में इसके जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे तो फ्रेंड्स अगर आप ये चूर्ण बनाते हो और आपकी गैस एसिडिटी कब्ज ब्लॉटिंग ये सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे आपको कम होते नजर आते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है स्वस्थ रहे मस्त रहे हेल्थी रहे थैंक यू सो मच